आपके साथ शाबनी पटाई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। जासूसी कांड पर कांग्रेस और विपक्ष पर सीएम योगी ने करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा विपक्ष कर रहा नकारात्मक राजनीति, भारत को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने दिया विवादित बयान, कहा लोनी में बकरी की कुर्बानी हुई तो जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बकरीद को लेकर यूपी सरकार का बड़ा आदेश, 50 से ज्यादा लोग एक स्थान पर नहीं हो सकते इकट्ठा। बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सरकार की तरफ से रोक लगाई गई, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के सख्त निर्देश भी दिए गए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी किया एडवाइजरी, मौलाना खालिद जमील ने कहा 50 लोगों से ज्यादा लोग जमा ना हो, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। मौलाना खालिद रशीद ने कहा कुर्बानी घर पर ही हो, साथ ही 50 लोग ही जमा हो और ईद उल अजहा की नमाज में भी मास्क पहने। सीएम योगी 6:30 बजे फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का करेंगे प्रेजेंटेशन, साथ ही आईटीबीपी के पूर्वी फ्रंटियर मुख्यालय का भी करेंगे प्रेजेंटेशन, राज्य सतर्कता समिति के संबंध में प्रेजेंटेशन। सीएम योगी 7:15 बजे हवाई सेवा को लेकर प्रेजेंटेशन होगा, 5 जिलों में हवाई सेवा के एमओयू को लेकर होगा प्रेजेंटेशन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, ट्वीट करके प्रदेशवासियों को देवशायिनी एकादशी की शुभकामनाएं थी, कहा विष्णु की कृपा से सभी के जीवन में सुख हो। फिर नाजुक हुई कल्याण सिंह की हालत, डॉक्टर ने सांस लेने में तकलीफ बढ़ने पर वेंटिलेटर पर रखा, आईसीयू मेडिकल टीम कर रही मॉनिटरिंग, परिजनों को बुलाया गया पीजीआई। सीएम योगी बाल सेवा योजना का 22 जुलाई को करेंगे शुभारंभ, कार्यक्रम में राजधानी के 50 अनाथ बच्चे होंगे शामिल। बाल सेवा योजना के तहत अभिभावक के खाते में भेजी जाएगी राशि, कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वाति सिंह रहेंगी मौजूद, राजधानी में अनाथ बच्चों की संख्या बढ़कर 292। सीएम योगी ने जूना अखाड़ा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत सोनगिरी जी महाराज के मृत्यु पर दुख जताया, कहा यह संत समाज की अपूर्णीय क्षति है। सीएम योगी ने ट्वीट कर बताया मिशन रोजगार के तहत अब तक लगभग 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में अब तक 55,000 से अधिक युवा का मंगल दलों की खेल सामग्री वितरित की गई है, युवाओं को खेल प्रशिक्षण देने को कटिबद्ध है। सीएम ने साथ ही कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार खेलो इंडिया के सपने को पूर्ण करने की ओर सतत अग्रसर है। कानपुर का बिरू कांड मामला, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 60 दिन में कार्रवाई के दिए आदेश, मंत्रालय ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। बिरू कांड में एक साल में कोई कार्रवाई न होने से मंत्रालय ने लिया संज्ञान, बिरू कांड के आरोपियों ने आईपीएस पीसीएस 67 दारोगा शामिल, जांच में 11 सीओ भी दोषी पाए गए। उमर गौतम के 2 एनजीओ का एफसीआरए भारत सरकार ने रद्द किया, विदेशी फंडिंग पर लगी पूरी तरह से रोक। लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यूपी दौरा, अगस्त में कर सकते हैं रामलला के दर्शन, लखनऊ से अयोध्या तक प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कर सकते हैं सफर। यूपी का 27 से 29 अगस्त तक है राष्ट्रपति का संभावित कार्यक्रम, 27 अगस्त को स्पेशल विमान से अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे राष्ट्रपति, 28 अगस्त को गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में अस्पताल भवन का करेंगे उद्घाटन, 29 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ट्रेन से पहुंचेंगे अयोध्या। लखनऊ में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख को दिलाई गई शपथ, 108 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी ली शपथ।
नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश शुक्ला ने ली शपथ। उप जिलाधिकारी शुभी सिंह काकन ने दिलाई शपथ। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण लोधी भी मौजूद रहे। मानसून सत्र के पहले दिन फोन टैपिंग के जरिए जासूसी का मामला सामने आया। वहीं सरकार बोले लीक डेटा का जासूसी से लेना देना नहीं। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोग तीखे से तीखे सवाल पूछे लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका दे ताकि आम जनता तक सरकार की आवाज पहुंच सके। पीएम मोदी ने कहा कि आशा करता हूं कि सभी को वैक्सीन का एक डोज लग जाएगा। वहीं सदन वाले और बाकी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहे। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा को लगी वैक्सीन। मोदी ने कहा कि कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया है। चाहते हैं कि महामारी को लेकर संसद में सार्थक चर्चा हो। विपक्ष की ओर से जो भी सुझाव दिए जाएंगे उससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तेजी आएगी। मोदी ने कहा कि वो खुद कोरोना से जुड़े मसलों पर सांसदों को जानकारी देना चाहते हैं। फ्लोर लीडर से इस मसले पर बातचीत होगी। देश की जनता जो जवाब चाहती है सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद कूच का ऐलान कर दिया है। किसानों ने ऐलान किया है कि वो 22 जुलाई से संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने 22 जुलाई के लिए अपनी रणनीति बना ली है। बिजनौर में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से काशीराम कॉलोनी की सड़कों और घरों में पानी भर गया। कॉलोनी के लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। मथुरा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मथुरा में मिट्टी की ढाई गिरने से बड़ा हादसा हो गया। जहां बताया जा रहा है कि मिट्टी की ढाई गिरने से 6 महिलाएं दब गई वहीं 2 महिलाओं को निकाला गया बाहर। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाओं का दौर चल रहा है। इसको लेकर छात्रों की जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। कॉलेज के इस छोटे से परिसर में हो रही सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राएं उमड़ पड़े। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बरेली में खाली प्लॉट में मिला युवक का शव। चाकू से कूदकर की गई युवक की हत्या। वहीं मौके से शव के पास से 2 चाकू भी बरामद। सिद्धार्थनगर में एक बार फिर पांव पसार रहा इंसेफ्लाइटिस। पीडियाट्रिक वार्ड में कुल 10 मरीज भर्ती। जिला अस्पताल का आईसीयू में भर्ती मरीज। बुलंदशहर में शहर काजी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। कहा अपने अपने घरों में अदा करें ईद की नमाज। उन्नाव में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। स्कॉर्पियो सवार वाहन लुटेरे गैंग से हुई पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों को लगी गोली। मुरादाबाद में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां सर्जिकल वार्ड में घुसा कुत्ता। कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में सरकारी प्राथमिक स्कूल की खुली पोल। ग्रामीणों ने स्कूल को पशुओं का तबेला बनाते हुए टीचरों की लापरवाही का ग्रामीण फायदा उठा रहे हैं। गाजियाबाद में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होने से पलटी। बस में बैठी 3 सवारियां हुई घायल। घायलों को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर इलाके में किराना व्यापारी की दुकान में घुसे बदमाशों ने पहले व्यापारी से बातचीत करके हालचाल जाना और फिर करीब 2.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग पर लोगों ने लगाया गंभीर आरोप। बिजली के केबल में लगी भीषण आग। आग लगने से पूरे गांव में बिजली आपूर्ति हुई ठप।
लखनऊ के केजीएमयू में कुल ब्लैक फंगस के 545 मरीज, वहीं 24 घंटों में किसी नए मरीज की नहीं हुई भर्ती, 24 घंटों में एक मरीज की हुई मौत। सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश में युवक की हुई पिटाई, फायरिंग कर दहशत बनाने का भी आरोप, ग्रामीणों ने बदमाशों की बाइक को किया आग के हवाले। बिजनौर में निलंबित दारोगा पर हमले का मामला, चार दबंगों ने की थी दारोगा की पिटाई, वहीं इस घटना के बाद नाराज दारोगा ने अपना इस्तीफा एसपी को दिया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, तीन बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़, वहीं बदमाशों के पास से एक गाड़ी बरामद। नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को पढ़ाया यातायात का पाठ, चौपाल लगाकर लोगों को दी जानकारी, हेलमेट को सही तरीके से पहनने की दी जानकारी। ग्रेटर नोएडा पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी, पुलिस ने एटीएम मशीनों को गैस कटर से काटकर कैश चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। गाजियाबाद में चौनिका स्वीडी क्षेत्र के मंडोला गांव में तालाब में युवक के डूबने का मामला सामने आया है, वहीं युवक को बचाने के लिए चक्कर में दूसरा युवक भी डूब गया। योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मायावती पर निशाना साधा और कहा है कि मायावती को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि कांसीराम ने कहा है कि अयोध्या में मंदिर की जगह शौचालय बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के चार जिलों बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज और शाहजहांपुर में राशन वितरण किया गया। मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, 9 मोटरसाइकिल के साथ 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया, अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई। बरेली के गांव में लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने टेडी बेयर बनाने का काम शुरू कर लिया है, जिसमें अब वो लगभग 25,000 से 30,000 महीना आराम से कमा रहे हैं। लंचवेयर में सड़क हादसे की खबर सामने आई, थाना सिकंदराबाद इलाके के गांव बिलसूरी में रोडवेज बस के खाई में पलट जाने के चलते एक महिला की मौत हो गई। हादसे में घायल सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ललितपुर जिले में अनोखी शादी का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि एक लड़के ने अकेले बारात ले जाकर नेत्रहीन लड़की से शादी की। गाजियाबाद में फर्जी इनकम टैक्स अफसर गिरफ्तार हुआ है, अफसर बनकर होटल में कमरा लेने पहुंचा था, वहीं फर्जी तरीके से युवक ने बनाए थे कागजात। बांदा में हत्या का मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि देर रात दबंगों ने महिला की हत्या कर दी थी, वहीं हत्या की खबर से परिजनों में मातम का माहौल। हत्या के मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, बताया जा रहा है कि महिला जानवरों को चराने के लिए निकली थी, इस दौरान किसी ने हथियार से हत्या कर दी। देवरिया जिले में अवैध नर्सिंग होम और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सीएमओ कार्यालय में विश्व हिंदू सेना ने शंखनाद करते हुए धरना दिया। विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय सचिव दिग्विजय चौबे ने कहा है कि झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा मरीजों का शोषण करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, मामले में कार्रवाई ना होने पर धरना दिया। प्रतापगढ़ में बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं, बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे, बेखौफ दबंगों ने पुरानी रंजिश में एक युवक को गोली मार दी। कानपुर से युवक की पिटाई की खबर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि चेन स्नैचिंग के चलते युवक को बांधकर जमकर पिटाई की गई। कानपुर क्राइम ब्रांच की चकीरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोन देने के नाम पर ठगी किया करती थी।
मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश घायल हुए। अलीगढ़ के गोदा में विवाहित की मौत हो गई, मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। नानोता पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां पुलिस ने स्मैक तस्कर को पकड़ा, मौके से पकड़ी गई स्मैक का वजन 1 किलो 200 ग्राम। लगातार हो रही बारिश के चलते ही सीतापुर में हादसा हो गया, बारिश के चलते मां बेटे पर दीवार गिरने से दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। संभल में बाइक चोरी के शक में युवक की पिटाई का मामला सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि चोरी के शक में सरे बाजार युवक की जमकर लोगों ने पिटाई की। कई स्थानों पर अतिवृष्टि और आपदा को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ और रुद्रप्रयाग का दौरा रद्द कर दिया गया। हरिद्वार में दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, बस की चपेट में आई महिला कर्मचारी, बस के नीचे कुचलकर महिला की मौत। 24 आईएएस अफसरों में बंपर फेरबदल, डॉक्टर आर राजेश कुमार बने देहरादून के डीएम, वही आर मीनाक्षी सुंदरम सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण को दायित्व दिया गया। बीते दो दिन से लालकुआ में हो रही झमाझम बारिश से जहां मौसम सुहाना कर दिया है, वहीं कुछ लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ा दी गई। लालकुआ गोला नदी के पास करीब एक दर्जन से अधिक गांव हैं, ऐसे में बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की धड़कनें भी बढ़ती गई। जल प्रलय से मची तबाही, मलबे से दबे घर में 2.5 घंटे फंसा रहा बुजुर्ग, बुजुर्ग को सकुशल निकाला गया बाहर। बारिश से सड़कें बाधित, लैंडस्लाइड के बाद से सड़कों पर आया मलबा, जिले के कई मार्गों से टूटा संपर्क। उत्तराखंड सरकार का कर्फ्यू को लेकर बड़ा निर्णय, सरकार ने 27 जुलाई तक बढ़ाया कोविड कर्फ्यू, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। केदारनाथ धाम में बारिश से पुनर्निर्माण कार्य बंद, बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से बंद, केदारनाथ हाईवे के रामपुर सीतापुर के बीच पहाड़ी से आया मलबा। देर रात से लगातार हो रही बारिश से जिले में कई नदियां नालों का जलस्तर उफान पर, वहीं कई मोटरमार्ग पर भूस्खलन से आया मलबा। भाजपुर में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित की है, इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरने की बात कही। हरिद्वार में लगने वाला कावड़ मेला इस साल भी सरकार ने रद्द कर दिया है, जिससे कावड़ मेले से आसपास लगाए बैठे छोटे दुकानदारों और कामगारों को बड़ी निराशा हाथ लगी। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं आपदा प्रबंधन की टीम में अलर्ट पर। मसूरी में दो दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, धनौल्टी रोड पर भारी भूस्खलन के चलते मार्ग बंद हो गया, वहीं मार्ग के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम। हरिद्वार में हो रही लगातार बारिश के चलते कई जगह जलभराव हो गया है, वहीं कई जगह अंडरपास पर कई फीट पानी जमा हो जाने की वजह से आवाजाही ठप। टिहरी में भारी बारिश के चलते धनसाली क्षेत्र में बादल फटा है, बादल फटने से कई घरों में मलबा घुसा है और वहीं एक शख्स सामान्य रूप से घायल है। हल्द्वानी में रानीबाग पुल खतरे की जद में आ गया है, जमीन खिसकने से पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त, वहीं रानीबाग भीमताल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया, राज कुंद्रा को क्या क्या गिरफ्तार। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें ऐप पर रिलीज करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, इस मामले में उन्हें पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, मेडिकल जांच के बाद अब राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अपनी फैशन डिजाइनिंग से बॉलीवुड के कई स्टार्स को शानदार तक देने वाले मनीष मल्होत्रा नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, मनीष मल्होत्रा डायरेक्टर बन गए हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री ने मनीष को बधाई दी। अभिनेत्री ईशा देओल फिल्म एक दुआ से फिर एक्टिंग में कमबैक करेंगी, ईशा की फिल्म एक दुआ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। डॉक्टर जी से आयुष्मान खुराना का फर्स्ट लुक सामने आया है, पहली बार डॉक्टर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, भोपाल में अपनी अपकमिंग फिल्म डॉक्टर जी की शूटिंग कर रहे हैं आयुष्मान खुराना। विधु जामवाल के प्रोडक्शन हाउस एक्शन हीरो फिल्म की पहली फिल्मर IP 71 होगी, टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट भी प्रोडक्शन हाउस में पार्टनर रहेंगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।